लॉकडाउन पार्ट फोर रविवार को खत्म होगा और सोमवार से कुछ और रियायतों के साथ लॉकडाउन पार्ट फाइव शुरू होगा। लेकिन किसी भी लॉकडाउन में मास्क न पहनने और भीड़ करने की छूट नहीं दी गई है। जिले में अभी भी प्रवासियों के आगमन के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भी शहरवासी अपनी ही मस्ती में मस्त हैं। शहर के बाजारों में दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क लगाए आराम से समूह के रूप में नजर आ रहे हैं। वहीं कई दुकानों पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। कोरोना संक्रमण के चलते घोषित हुए लॉकडाउन के बाद से ही केंद्र एवं राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी कर मास्क को अनिवार्य करते हुए आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की हिदायत दी थी। लेकिन बाड़मेर के बाजार में नियमों की अवहेलना होती दिख रही है। लॉकडाउन के करीब डेढ़ माह बाद गृह मंत्रालय ने छूट का दायरा बढ़ाते हुए विभिन्न बाजारों एवं प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी थी। वहीं मास्क के उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किसी प्रकार की छूट नहीं दी। बावजूद इसके बाड़मेर के बाजारों में दुकानदारों समेत आवाजाही करने वाले राहगीरों एवं ग्राहक लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, जो कि किसी खतरे से कम नहीं है। गौरतलब है कि प्रवासियों के आगमन के बाद से बाड़मेर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा 99 पर पहुँच गया है। हालांकि सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का कुछ दिन तक तो सही से पालन हुआ, लेकिन जैसे ही बाजारों में विभिन्न व्यापार एवं प्रतिष्ठान खोलने की छूट मिली तो स्थानीय प्रशासन ने भी नियमों की अनदेखी करते हुए शक्ति कम कर दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि बाजार में बिना मास्क लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे भारत में कोरोना पर पूरी तरह से काबू पा लिया हो। रविवार को डीसीएन लाइव टीम ने बाजारों का दौरा किया तो शहर के सदर बाजार, स्टेशन रोड समेत मुख्य बाजारों में दुकानदार समेत ग्राहक एवं आमजन बिना मास्क पहने नजर आए। इसके साथ ही पालिका बाजार, स्टेशन रोड स्थित दुकानों एवं सदर बाजार स्थित सब्जी मंडी समेत कई दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई और अधिकांश दुकानदार एवं ठेला चालक बिना मास्क नजर आए और इन्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नजर नहीं आया। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद शहर के बाजार में सुरक्षाकर्मी गश्त करते नजर आते थे और आम जन समेत दुकानदारों को मास्क का उपयोग करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की हिदायत देते भी नजर आते थे। इसके अलावा बिना मास्क पहने लोगों का चालान काटने की प्रक्रिया भी अमल में लाई जाती थी। लेकिन लॉकडाउन के ढाई महीने बाद जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते कोरोना रोकथाम के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी इन दिनों धूल फांकती नजर आ रही है।